गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला छाछ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला छाछ। उसके लिए सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा हरा धनिया इसको मिक्सी जार में ले लेती हूँ। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है और आप इसको कोई भी सब्जी है या वैसे भी आपका मन हो रहा है तो आप उसको, और इसमें मैं डालती हूँ एक हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेते हैं। अब ये देखिए हमारा जो ये पेस्ट है इस तरह का हो गया है, ये मैंने ऐसे पीस लिया है। अब हम अपने एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें आराम से बन सके। अब मैंने इसमें लिया है लगभग 200 ग्राम दही, इसको हम इसमें बर्तन में डाल देते हैं और साथ में जो हमने धनिया और मिर्ची का पेस्ट बनाया था इसको भी डाल देते हैं। और फिर हम इस तरह का एक वो ले लेते हैं मखनी जो रहती है, अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वैसे इससे भी बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से चलाते हुए इसको कर लेते हैं, अच्छे से मत लेते हैं, इससे क्या है अच्छे से हो भी जाएगा और थोड़ी थोड़ी जो बाइट रहती है ना धनिए की और वो सब चीज़ों की मिर्ची की, तो वो भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं साथ में डाल देती हूँ इसमें एक चम्मच काला नमक, या आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, एक चम्मच पिसी चीनी, थोड़ा सा नमक जो हमारा सफ़ेद सॉल्ट रहता है ना वो, और आधा चम्मच भुना जीरा। अब इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब हम इसमें डाल देते हैं एक गिलास पानी, क्योंकि छाछ बना रहे हैं तो वो पतला ही अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। अब हम इसको इस तरह से अच्छे से मैश कर लेते हैं अच्छे। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और अब हमारी मसाला छाछ बनके तैयार है। अब हम इनको एक ग्लासों में सर्व कर लेते हैं। अब हमारी मसाला छाछ बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।